सलमान को जब मारूंगा तब पुलिस को पता चलेगा, ये कहना था 2018 में लॉरेंस बिश्नोई का। ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जिस पर मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप लग रहा है। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिखता है कि कम से कम दो गाड़ियां सिद्धू की गाड़ी को फॉलो कर रही थी। पुलिस के मुताबिक 30 राउंड फायर किए गए। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य लक्की ने फेसबुक के जरिए ले भी ली, लेकिन अब तक पुलिस इस हत्या से जुड़े एक भी कातिल को नहीं पकड़ पाई है। इस बीच इस मर्डर में अब एक नया खुलासा हुआ है। सिद्धू की हत्या की साजिश कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही रची गई थी। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने वर्चुअल नंबरों से विदेश में मौजूद गोल्डी बरार से कई बार बात की थी, जिसके बाद सिद्धू को गोलियों से छल्ली कर दिया गया। अब तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस पूछताछ करेगी। पंजाब पुलिस लॉरेंस को रिमांड पर भी ले सकती है। लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ की जेल नंबर 8 की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। आप लॉरेंस बिश्नोई की पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो जेल से ही गैंग को ऑपरेट करता था और हत्याओं तक को जेल में रहते ही अंजाम दे देता है। इस लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के गुर्गों की संख्या करीब 700 के पार है, जिसमें प्रोफेशनल शूटर भी शामिल हैं। बिश्नोई शराब माफियाओं से रंगदारी वसूल करता है। लॉरेंस और उसका गैंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश समेत दूसरे देशों में फैला हुआ है। इस पर लगभग 50 मामले अलग अलग जगहों पर दर्ज हैं। आपको बता दें कि ये वही बिश्नोई है जिसने सलमान खान को खुलेआम मारने की धमकी दे दी थी। देखिए उसका वो वायरल वीडियो। सिक्योरिटी आपकी तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये वैसे इतने केस मेरे को होगा, कभी कन्विक्ट तो मैं आज तक हुआ नहीं, ना कोई खिलाफ गवाही हुई। लेकिन आप पे डाउट कर रही है पुलिस का, भाग जाएंगे ये? वो बड़े पुलिस वाले से पूछिए जी, वो मेरी बात हुई उनसे, आपके वकील साहब से मैंने पूछा उनसे भी। लेकिन आप इतना डाउट क्यों है? आप इतने बुखार हो। क्रिमिनल हुई ना, मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और उसके बाद पुलिस वालों ने बना दिया ये, बिना मतलब अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। जब ये केस गया मैं तो पुलिस कस्टडी में था, इस केस में इन्वॉल्व करने बिना मतलब के करें। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी? तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब इन्वॉल्व कर रहे। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने भी दावा किया है कि उनके बेटे को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से धमकियां मिल रही थी और फिरौती मांगी जा रही थी। पिता के मुताबिक मूसेवाला को कई बार फिरौती के लिए धमकी भरे फोन आए थे। पिता बलकौर सिंह ने कहा कि धमकियों की वजह से परिवार ने एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार भी खरीदी हुई थी, लेकिन रविवार को सिद्धू अपने दो दोस्तों गुरविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह के साथ थार कार से कहीं निकला था। पिता ने बताया कि बुलेट प्रूफ कार और गनमैन दोनों ही सिद्धू घर पर छोड़कर गए थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली है। सूत्रों की माने तो सिद्धू मूसेवाला बिश्नोई गैंग के विरोधी कैंप को सपोर्ट कर रहे थे और इसी वजह से सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर था। 8 अगस्त 2021 को मोहाली में दिन दहाड़े यूथ अकाली लीडर विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या की गई थी। विक्की पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी था। हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम सामने आया था। पुलिस मैनेजर तक पहुंच पाती उसके पहले ही वो भारत से फरार होकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। अगस्त 2021 में मोहाली में विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिद्धू पर हमले की फिराक में था। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि वो जेल से गैंग ऑपरेट कर रहा है। इस गैंग के लोग कनाडा समेत विदेशों में मौजूद हैं। कनाडा में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गोल्डी बरार ने ये भी दावा किया है कि विक्की के अलावा उसके खुद के भाई गुरुलाल बरार की हत्या के पीछे भी सिद्धू मूसेवाला था, लेकिन अपने रसूख के दम पर वो बच गया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद दिल्ली की अलग अलग जेलों में बंद गैंगस्टर नीरज बावनिया, टिल्लू ताजपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों पर खास नजर रखी जा रही है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है पंजाब पुलिस पर, जिसकी इंटेलिजेंस एक महीने में दो बार फेल हुई है। पहले तो वो अपने ही हेडक्वार्टर पर ग्रेनेड हमले के बारे में जानकारी नहीं जुटा पाती है और अब जेल में बंद एक गैंगस्टर खुलेआम दिन दहाड़े एक मशहूर पंजाबी सिंगर की हत्या कर निकल जाता है। पहले वो अपने ही हेडक्वार्टर पर ग्रेनेड हमले के बारे में पता नहीं लगा पाए और अब जेल में बंद एक गैंगस्टर
एक मशहूर सिंगर को मरवा के हत्या की जिम्मेदारी भी ले लेता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। ये तो खुलेआम पुलिस का मखौल उड़ाने जैसा है। खैर, अब यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द पुलिस हत्यारों को पकड़ पाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ऐसे में आपको क्या लगता है, पंजाब पुलिस की इस नाकामी पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC24 के यूट्यूब चैनल खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।